ਗਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਰੋਡ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਈ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਪੁਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸੋ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਚਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਰੋਡ ਦਾ ਕੰਮ ਸੋ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਆ ਗਾਰਡਨ ਲਾਂਚਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ कह सकते हैं फिरोजपुर रोड में जोड़ा रस्ता जाता सी उसनू हुण ज्वाइंट करन दा जोड़ा काम है वह शुरू किया जाएगा सो अज तो 25 अक्टूबर दिन बुधवार तो यह जोड़ा काम जंगी पद्धर से शुरू होन जा रहा लगभग मशीनरी जी है वो पहुँच चुकी है तस्वीरों के विखावे कि यह जगराओं पुल तो आता रस्ता है और बिल्कुल इस रस्ते तो सज्जे हथ बस स्टैंड वाली रोड है सो बस स्टैंड वाली रोड तो जो मोगा जाने वास्ते वाहीकल्स जोड़े टर्न करते सन वो हूँ रस्ता सीधा बंद कर दिता जाएगा थोड़ा जहा अगे माल रोड से अगे जाके टैलीफोन एक्सचेंज की बैकसाइड तो जी रोड है उस रोड न वन वे की जगह हूँ डबल कर दिता जाएगा और सारे वाहीकल्स उत्तों घूम के फिरोजपुर रोड पर आएंगे जोड़ा सीधा रस्ता है वो बंद कर दिता जाएगा क्योंकि गार्डन लॉन्चिंग का काम अज शुरू होना पहला कहा जा रहा है कि 20 अक्टूबर तो यह काम जोड़ा शुरू होना पर शेड्यूल जोड़ा बदलिया गया क्योंकि फैसटिवल सीजन के चलते दुशहरे का त्यौहार जोड़ा सिर पर सी और इसनों पेंडिंग किया गया हूँ कंपनी की मशीनरी जी साइट पर पहुँच चुकी है फ्लाईओवर बनाने के लिए गार्डन लॉन्चिंग का काम अज तो बुधवार तो शुरू हो रहा है यदि पुष्टि ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो दिती जा रही है चाहे FM के जरिए होवे उस तो इलावा जिन्हें भी न्यूज़ चैनल्स ने उन्होंने जरिए इस इन्फॉर्मेशन लुधियाना शहर वासियों के साझा किया जा रहा भारत नगर चौंक के फ्लाईओवर बनने का काम पूरा करने जोड़े वाहीकल्स ने उन्होंने आवाजाई के लिए दो चरणों के 3 हफ्ते लिए बंद किया जाएगा दो चरण जोड़े बनाए गए हैं इस दौरान लोगों भी कहा गया कि वो कोऑपरेट कर और जिहड़ा विकल्पिक रूट दिता गया एक रूट दिता गया उस उपर ही जान ता जो ट्रैफिक जिहड़ी है वह स्मूथली एग्जिट हो सके जाम ना लगे लगातार निरंतर कोशिशां लुधियाना ट्रैफिक पुलिस वालों कीतियां जा रही ने कि शहर नूं ट्रैफिक फ्री बनाया जाए सो तस्वीरां दे विच वेख सकते हो कि मशीनरियां लगभग आ चुकियां ने और यह जिहड़ा एलीवेटेड रोड का काम है यह हुण गार्डन लॉन्चिंग भारत नगर चौंक दे विच शुरू हो रही है थोड़ी जी परेशानी जरूर बढ़ सकती है उन लोगों की जेडे रोज़मर्रा की जिंदगी दे विच तकरीबन सुबह शाम भारत नगर चौंक चो गुजरते हैं क्योंकि एक सैड बस स्टैंड है एक सैड जगराओं पुल तो रस्ता आता उस दे नाल ही एक माल रोड वाला रस्ता जो अगे फुहारा चौंक नूं जांदा है और बिल्कुल सामने जगराओं मोगा फिरोजपुर नूं जाण वाला रस्ता है इस रस्ते के उपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी ने DC ऑफिस भी है और बहुत ज़्यादा पिंडां दे और लुधियाना शहर के लोग जिहड़े इत्थे विजिट करते हैं तकरीबन डेली दे विच क्योंकि जिहड़े सिविल केसिस ने उन्हां दा निपटारा कोर्ट दे विच हुंदा है कई जिहड़े क्रिमिनल केसिस ने उन्हां दा निपटारा कोर्ट दे विच हुंदा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होण करके वकीलां दा चैंबर होण करके इत्थे आवाजाई बनी रहिंदी है सो इस रस्ते नूं जिहड़ा डाइवर्ट किया गया क्योंकि जिहड़े लोग मैं फिर दस दिया जगराओं पुल तो या बस स्टैंड वाली साइड तो आ के फिरोजपुर रोड नूं जांदे सी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नूं कचहरियां नूं जांदे सी या फिरोजपुर रोड ते चढ़दे सी उन्हां दे लई हुण रूट डाइवर्ट किया गया उन्हां नूं पहलां माल रोड जाना पएगा नाल ही टैलीफोन एक्सचेंज की बैक साइड ते जिहड़ी रोड है उस रोड नूं डबल कर दिता गया पहलां वन वे सी उहनूं डबल कर दिता गया उस तो अगे कुमार मंडी के दुकानदारां दे नाल भी एक मीटिंग लुधियाना पुलिस वालों ट्रैफिक पुलिस वालों की गई लुधियाना शहर के जिहड़े इस हल्के दे MLA ने उन्हां वल्लों एक मीटिंग की गई जिन्हां दे विच ADCP समीर वर्मा भी शामिल सन गुरप्रीत गोगी भी शामिल सन कुलप्रीत सिंह रोड सेफ्टी एक्सपर्ट राहुल वर्मा मनदीप सिंह सिद्धू लुधियाना दे पुलिस कमिश्नर उन्हां दी योग अगवाई दे विच जिहड़े ट्रैफिक पुलिस दे इंचार्ज ने चरणजीत लांबा और राजकुमार जी उन्हां दे नाल बैठ के ये मीटिंग की गई तां कि किसी भी शहर वासी नूं जाम दे विच ना फसना पवे और स्मूथली एग्जिट जिहड़ा कीता जावे सो मीटिंग तो बाद यह फैसला होया कि कुमार मंडी जिहड़ी है कुमार मंडी वाली मार्केट है उसनों वन वे कीता जाएगा एक रस्ता बनाया जाएगा एक साइड तो ही वाहीकल्स आउणगे जिस नाल ट्रैफिक जिहड़ा जाम नहीं लगेगा सो यह कुछ रूट प्लैन्स जिहड़े ने किए गए ने लुधियाना पुलिस वालों
एडमिनिस्ट्रेशन वालों के ता जो पार्थ नगर चौंक दे विच गार्डन लॉन्चिंग का काम जंगी पद्धर से शुरू हो जा रहा, एलीवेटेड रोड का काम जो चल रहा है वो जल्दी पूरा किया जाए, क्योंकि पहला ही ये जिहड़ा काम है कई डेडलाइनस जिहड़ियां लंघ चुकी ने तुहानू दस दईए। सो हुण कहा जा रहा है कि दिवाली तक 20 दिन हले भी बाकी ने, दिवाली तक जिहड़ा ये काम आ जोरां शोरां ते इसे तरह चलेगा और कोशिश की जा रही है कि दिवाली तक इसनों पूरा किया जाए। सो मैं एक बार फिर दसदा कि वख वख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के उपर ट्रैफिक पुलिस वालों जानकारी सांझी की जा रही है। लुधियाना शहर वासियों नूं ये अपील है कि तुसी उस जानकारी नूं सुनो जो रूट डाइवर्ट किए गए ने, उन्हां उपर ही जाओ, ट्रैफिक वायोलेशन ना होवे तां जो लुधियाना शहर नूं जो ट्रैफिक पुलिस वालों कोशिश की जा रही है जाम मुक्त बनाउण दे लई, ट्रैफिक जाम तो मुक्त करन दे लई, उस विच आपां सारे रल मिल के कामयाब हो सकी। सो पहलकदमी पुलिस वालों की गई, एडमिनिस्ट्रेशन वालों की गई और साडा भी फर्ज बनता है कि असी शहर की जिहड़ी नुहार बदली जा रही है उस विच योगदान पाइए। कैमरामैन सतवंत मठाड़ू दे नाल मैं अमन सिंह, लुधियाना टाइम।